बढ़ती गर्मी के पारे के साथ साथ निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां पूरी तेज हैं। सभी दल पूरी तैयारी के साथ निकाय चुनावों के दंगल में उतर चुके हैं, नामांकन भर चुके हैं। ऐसे में लोगों ने भी उनकी समस्याओं को हल करवाने वालों को वोट देने की बात कही है। वहीं सडोरा निकाय चुनावों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चेकिंग से लेकर नाकेबंदी कर और उसके साथ ही असला धारकों पर असला जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। यमुनानगर की सडोरा विधानसभा में नगर पालिका चुनाव होने हैं। वहीं यहाँ के लोगों कहना है कि हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो हमारी समस्या को हल करेगा। सड़कों से लेकर गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था तो कहीं बिजली के खंभों को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं मतदाताओं का कहना है कि यहां अस्पताल तो हैं पर डॉक्टर्स की कमी है। लोग चाहते हैं कि जिस भी वार्ड में जो भी प्रत्याशी हो वो पढ़ा लिखा हो और जनता की बात सुनने वाला हो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सडोरा के वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं का। वार्ड नंबर 5 है और मेरे वार्ड नंबर 5 में बहुत सी समस्याएं हैं और सभी बहुत सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्य समस्या देखो, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। साफ़ सफाई सबसे पहले मस्ट है, क्योंकि साफ़ सफाई होगी तभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ भी तभी रहेंगे जब साफ़ सफाई होगी। साफ़ सफाई सबसे मेन मुद्दा है। सबसे पहले साफ़ सफाई होनी चाहिए। जगह जगह जैसे कूड़े के ढेर हैं, ये नहीं होने चाहिए। और जो सफाई कर्मचारी कई बार आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं लेकिन कई बार मोस्टली छुट्टी पे रहते हैं, तो सफाई कर्मचारी भी मतलब टाइम टू टाइम आने चाहिए। बिजली की व्यवस्था एक तो, और बिजली की तारें, बिजली आ रही है प्रॉपरली लेकिन कई बार कट लग जाता है। और बिजली की कई कई जगह बहुत लंबी लंबी तारें, जैसे उसमें करंट आने का, बच्चों को, बच्चे खेले गली में उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो, इनको ध्यान में रखते हुए कि सारी ये समस्याएं हमारा जो कैंडिडेट है वो सब समस्याओं को अच्छे से सोल्व करने की उसमें क्षमता हो, इतनी कैपेसिटी हो कि भाई वो सबको सुने समझे, सहनशील हो, यंग हो और मतलब इतना कर्मठ हो, जुझारू हो, मेहनती हो और टाइम भी दे वो, ताकि हर किसी की समस्या वो सुन सके, कि जो भी आए सबकी समस्या को पर्सनली फेस कर सके। समस्याएं इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्याएं और सीवरेज की समस्याएं, नालियां साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ सफाई हो, हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा हर मतलब जाति वर्ग को मिले, कोई मतलब ये ना हो कि कुछ आ रहे हैं कि कुछ को मिल गई कुछ को नहीं मिली, सभी को मिलनी चाहिए। और हर मतलब डॉक्टर मतलब ऑर्थोपेडिक भी हो, लेडीज़ महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए, मतलब नई सोच के साथ चलेगा ना। तो थोड़ा हम तो यही देखेंगे कि जो हमारा कैंडिडेट्स हो मतलब नई सोच का हो, यंग हो, कर्मठ हो, मेहनती हो, टाइम देने वाला हो। और हम सबको पता होता है कि हमारे यहाँ कौन सा कैसा कर्मचारी है, कैंडिडेट्स है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो उस हिसाब से सभी, मेरे हिसाब से तो उसमें कोई दो राय नहीं कि सभी सपोर्ट करेंगे। सर, हम यहाँ पे शहर का सबसे पहले विकास चाहते हैं, हर तरीके से विकास होना ज़रूरी है। यहाँ की जनता की बहुत सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि मान लो साफ पानी, बिजली और गलियों की अच्छी खासी गली होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, गली बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सीवरेज जो डला हुआ है वो एक्टिवेट हो, जो डल चुका है तो एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की डिमांड पहले ही ऑलरेडी उठ चुकी है और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी, उसके ऊपर भी जल्दी बनेगा। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी शहर का विकास रुकना नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं जनता हर तरीके से साथ खड़ी हो हर चीज़ में। जो भी यहाँ पे बैठेगी, एमसी बैठेंगे, हमारे चेयरमैन साहब बैठेंगे, उनको कोऑपरेट करें हर तरीके से और वो भी शहर का हर तरीके से विकास करने में योगदान दें अपना। ऐसे तो पार्क काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको और ज़्यादा बड़ा किया जाए, जो भी जितना बन सकता है उसको और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। मेरा नाम राजन अरोड़ा है जी, मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ। देखिए, हमारे सडोरा में बहुत सी कमियाँ हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, सफाई का हुआ, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक मतलब काफ़ी चलता रहा है उसके बारे में, तो उसके लिए काम नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं अभी आज, अब अगर नगर पालिका हम लोग हेजिटेशन करके या वो करके नगर पालिका लेके आए हैं, तो नगर पालिका के फ़ायदे लोगों को नज़र आने चाहिए। वो फ़ायदे तभी नज़र आएंगे जब तक पूरी टीम का गठन नहीं होता, लोकल सरकार नहीं बनती, लोकल सरकार बनेगी कभी, तभी वो कुछ कर पाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है वो हेल्थ की। हॉस्पिटल हमारे यहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है और सरकारी भी डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा चेयरपर्सन बने वो हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए और शहर की सफाई की, सफाई व्यवस्था के लिए और सीवरेज वगैरह के लिए, उसके लिए काम करें।
हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।